राधे राधे सभी को। ये बरसाना का पोस्ट ऑफिस, श्री लाडली लाल विजयती तराम, सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और आज हम एकादशी के पर्व पर अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं और सभी मिलकर परिक्रमा का आनंद लीजिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। ये श्री जी के महल के दर्शन करके हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से श्री जी का जो संपूर्ण महल के दर्शन है वो आपको यहाँ से देखते हैं, तो श्री जी के महल के दर्शन करके अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे हम रमा एकादशी के पावन पर्व पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी मानसिक रूप से दो ही परिक्रमा एकादशी पर। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। बोलिए राधा रानी की जय। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरणों कमल को ध्या कर, श्री जी के चरणों कमल को ध्या कर, नैनन नीरो बहाइए, श्री राधिका के, श्री राधिका के गुण गाइए। तो आज बरसाना में रमा एकादशी आज मनाई जा रही है। भक्तों की परिक्रमा की काफ़ी भीड़ है। जय हो गौ माता। गौ माता के भी सुबह सुबह दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है हमें इस मानसिक परिक्रमा में। घर बैठे हम दर्शन करते हैं ब्रज के। हैप्पी फोन 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 जिसका कि आप सभी आनंद लेते हैं। और आज की परिक्रमा हमारी बरसाना से स्टार्ट होती हुई श्री जी के महल पर पहुंचेगी। ये हमारा जयपुर मंदिर, कुशल बिहारी जी का मंदिर, जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं। साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र धात्री च राधा सर्वं राधा 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 वाच किन्तस्य शेषम। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो कुशल बिहारी जी का जो मंदिर, जब श्री जी श्योपुर चली गई थी तो देवस्थान विभाग के राजा ने श्री जी के लौटने के बाद, जब श्री जी लौट रही थी, जब पता चला कि श्री जी आएंगी, तो कुशल देखिए आप सभी पहले गौ माता के दर्शन कीजिए। ये हमारी गौ माता है। एकादशी के दिन सभी भक्त यहाँ अपनी हाजी लगाइएगा। ये हमारी कृष्ण की प्यारी है और शेयर भी करते रहिएगा। एकादशी के दिन इतने सुंदर सुंदर
गौ माताओं के दर्शन, कितनी सुंदर गाय है ये, हमारी गौ माता है ये। कहते हैं गौ माता में ही सभी देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ये साकरी खोर की लीला है। यहाँ पर लिखा है सर पर मटकी राखी मारी कांकरी फोर, मतलब जो सर पर जो मटकी है गोपियों की वो रखी हुई है, और ठाकुर जी कंकड़ी मतलब कि जो कंकड़ जो होते हैं कंकड़ से उनकी मटकी फोड़ते हैं। दही रस से निभोरी कोरी नंद किशोर, जो दही की जो मटकी में भरा हुआ जो दही है वो कंकड़ी से फोड़कर उनको पूरा दही से भिगो दिया है। किसने भिगोया है? हमारे नंद किशोर ने। और जो हमारे यहाँ की जो लीला है, देखिए गायों के लिए एकादशी के लिए सभी भक्त आप भी अपने घर पर एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालिएगा। और जो अगला जो पद है वो भादो शुक्ल त्रयोदशी, भादो की जो त्रयोदशी जो आती है, भादो में जो अष्टमी आती है, फिर नवमी दशमी जो एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी जो आती है, उस दिन यहाँ की जो लीलाएँ होती है साकरी खोर की, तो कहते हैं भादो शुक्ल त्रयोदशी साकरी खोर बूढ़ी लीला को देखे होवे भक्त विभोर। जो साकरी खोर की जो लीला है वो भादो की त्रयोदशी को होती है, जिसे हम बूढ़ी लीला कहते हैं, जिस बूढ़ी लीला को देखने के बाद सभी भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। राधे राधे। और ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ चित्रकारी की गई है। मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए, ये कि देखिए ये है वो दृश्य जब ठाकुर जी जब गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, तो गोपियाँ जब ठाकुर जी के पीछे पीछे भागती हैं, तो आप देख सकते हैं मनमोहन भाग रहे हैं। गोपियों की दही फोड़ने के बाद में ये हालत होती है गोविंद की, और जाते हैं किसके पास? श्री राधा रानी के पास। बचाने वाली कौन है? श्री राधा रानी। तो भागे भागे हमारी श्री जी के पास पहुंचते हैं। और यहाँ देखिए मैं इस पेंटिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरह गोपियाँ ठाकुर जी को पिटाई करने के बहाने से मार रही हैं, लेकिन उनके प्रिय सखा उन्हें बचा रहे हैं कि हमारे गोविंद को मत मारिए, हमारे गोविंद को मत मारिए। गोपियाँ के देखिए गोपियों के हाथ में लठ भी है गोविंद को। ये प्यार की लीला है, ये लीला प्यार की है। अरे दादी के तो छोड़ेंगे ना, ऐसी ऐसी बातें कहती हैं। देखिए इतनी सभी गोपियों के बीच में ठाकुर जी और मधुमंगल सखा बीच में घिरे पड़े हैं, क्योंकि माखन का आनंद तो उनको ही लेना है। माखन का जो आनंद जो लेते हैं सभी सखा गोपियों की मटकी तोड़कर जब भागते हैं, जब श्री जी के पास जाते हैं, श्री जी ही बचाती हैं उन्हें। तो मटकी तोड़कर जब वो श्री जी के सिंहासन पर जा रहे थे, तो श्री जी ही उन्हें बचाती हैं। हे लाडली जो हमें बचाइए इन गोपियों से। देखिए यहाँ जो दूध की भरी जो मटकी है वो फोड़ दी, और पूरा जो दही पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दही रस निभोर मतलब पूरा निभोर मतलब पूरा भीग चुका है, पूरा दही निकल चुका है। ऐसी लीला साकरी खोर की होती है। इसे हम जो साकरी खोर की जो लीला है बूढ़ी लीला भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? यह है साकरी खोरी जितकी माखन चोरी, बरसाने की छोरी संग की जोरा जोरी, तोरी मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी। गोपियों की मटकी तोड़ दी और उनकी भैया है वो मड़ोर दी है। दही रस में निबोरी विस्भान किशोरी। ये किस
ये किशोरी जी उसे कह रही हैं, ये गोपियाँ, कि हमारी मटकी तोड़ दी और चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। साकरी खोल जहाँ गोविंद ने मटकी जो तोड़ी थी, वही स्थान जहाँ आज भी उस दही की। हाँ भाई, जहाँ आज भी दही की महक, वो खुशबू आज भी आती है। कहते हैं हमारे सना का तो माखन इतना प्रिय है, और इसी तरह यहाँ दही की जो महक आती है, वो आज भी हम मत्था टेकेंगे तब भी महसूस होती है। आप शेयर करते रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। और शाम को 7:30 बजे हमारी लाइव में जुड़कर आनंद लीजिएगा। उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। कृपा करती हो श्री राधे। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, सकरी गली अति प्रेम की, जामे दो ही न समाए। इस गली में, यह गली प्रेम की है, इसमें दो लोग नहीं समा सकते। इसमें जाने के लिए एक एक करके ही निकलना पड़ता है। और अभी हम आपको मत्था टेकवाते हैं, हम भी मत्था टेकते हैं। ये माखन की जगह मत्था टेकी हुई है, हम करना बंद करते हैं। आप भी हमारे साथ मत्था टेकी है। वो आपको दिख रहे हैं। और चलते हैं हम उस स्थान की ओर जो कि गर्ग संहिता में भी लिखा हुआ है। जो भी श्री जी के हस्त कमल और चरण कमलों के दर्शन करता है, ठाकुर जी के और श्री जी के, उन्हें साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। ये सभी भक्त परिक्रमा दे रहे हैं एकादशी के दिन। परिक्रमा संपूर्ण जो परिक्रमा चल रही है, उसका ये सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। और चलिए अब हम ठाकुर जी के हस्त कमल के दर्शन कराते हैं, जहाँ ठाकुर जी जब गोपियों के डर की वजह से जब भाग रहे थे, तो उनका पैर जो फिसल गया और एक हाथ की जो कलाई है, वह ठाकुर जी की आज भी यहाँ चिन्हित हो गई। तो देखिए, सभी भक्त शेयर कीजिएगा, राधे राधे बोलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी के मंदिर। देखिए, हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ठाकुर जी के हस्त कमलों के निशान। जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को ठाकुर जी के हस्त कमल के दर्शन होंगे। फिर हम आपको श्री जी के चरण कमलों के भी दर्शन कराएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, राधे राधे जरूर बोलते रहिएगा। सभी भक्तों से बस यही अनुरोध है, जरूर शेयर कीजिएगा। और ठाकुर जी के देखिए हस्त कमलों के निशान इस तरह से, ठाकुर जी जब इस शिला पर गिर गए थे तो उनके हस्त कमलों के निशान यहाँ रह गए। हम यहाँ मत्था टेक लेते हैं, आप भी मत्था टेकिएगा और अपनी हाजिरी जरूर यहाँ लगाइएगा। और हम चलते हैं आगे की ओर, और हमारे दोनों ही ब्रजवासी परिक्रमा दे रहे हैं। तो यहाँ भी इन्होंने कल भी हमारे साथ मिलकर दीपदान किया। और देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे एक एक करके, और देखिए इस पेड़ की, और मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ, यह पेड़ जो है यहाँ से इसको पकड़कर ही निकलना पड़ता है। आप देखिएगा, जितने भी भक्त हैं इस पेड़ को पकड़कर ही यहाँ से उतरते हैं। कई वर्ष यह पुराना पेड़ है और इसकी जो जड़ हैं वो इतनी मजबूत हैं कि यह टस से मच भी नहीं होती है। सभी भक्त जब यहाँ से निकलते हैं तो एक बार आप जरूर देखिएगा, सभी इस पेड़ को टच करते हुए, इसे पकड़ते हुए, ये देखिए, ये भी ठाकुर जी की लीला है कि इतने
पर्वतों के बीच में इस पेड़ को बनाना हो। ये दोनों जो पर्वत है वो राधा स्वरूप और कृष्ण स्वरूप पर्वत है। जो सामने आप देख रहे हैं श्याम वर्ण पर्वत है, जो ऊपर जो आप जो शिला देख रहे हैं, जो सिंहासन है वो ठाकुर जी का सिंहासन है, और जो सामने जो पर्वत है वह गोविंद पर्वत मतलब श्याम वर्ण पर्वत है। श्याम वर्ण मतलब कि सांवला, सांवला मतलब कि जो काला है। जैसे कि हमारे गोविंद श्याम वर्ण है, उसी तरह उनका जो पर्वत वो भी श्याम वर्ण पर्वत है। और हमारी श्री राधा रानी इतनी सुंदर है कि उनके चरण भी अगर आप कर कोई भक्त दर्शन कर ले उनके चरणों के तो भी अपने आप को धन्य धन्य मानता है। देखिए ऐसे ब्रजवासी यहाँ मत्था टेकते हैं और उस महक को महसूस करते हैं और यही मानसिक रूप से परिक्रमा लगाते हैं। तो आप भी जरूर हमारे साथ मानसिक रूप से दी हुई परिक्रमा का लाभ लीजिएगा। ये हमारा जो पर्वत जहाँ हम खड़े हुए हैं वो श्याम वर्ण है, नहीं गौर वर्ण है। गौर वर्ण मतलब कि गोरा। सामने ठाकुर जी का सिंहासन है और जो यहाँ जो सिंहासन है वो हमारी श्री जी का है। श्री जी यहाँ बैठा करती थी, ठाकुर जी उधर बैठते थे। दोनों की नैन लीला, नैन लीला मतलब कि नेत्रों की लीलाएं चलती थी, एक दूसरे को निहारते रहते थे। जब ठाकुर जी गोपियों के डर की वजह से जब भाग रहे थे श्री जी के पास, श्री जी मुहे बचा लीजिए, तो उनका हाथ इस शिला पर फिसल गया। उनका आज भी हस्तकमलों के निशान हमें दर्शन को लिए मिलते हैं। और भी भक्त परिक्रमा दे रहे हैं इसी रास्ते से, तो चलिए अब हम अपनी परिक्रमा को आगे की ओर लिए चलते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, राधे राधे बोलते रहिएगा। और हमारा कार्तिक महोत्सव में हमें प्राप्त हो रहा है उसका भी आप लाभ लेते रहिएगा। बहुत भक्त यहाँ से भी जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है वो मोरकुटी के लिए निकलता है। यहाँ पर रास्ते में मोरों के भी दर्शन होते हैं। वैसे तो मोरों के दर्शनों का सौभाग्य बहुत कम ही प्राप्त होता है, क्योंकि मोरकुटी पर जब आना मोर बिहारी को दाना जरूर चुगाना, क्योंकि हमारी श्री राधा रानी मोरकुटी पर नित्य प्रति मोरों के लिए दाना चुगाने के लिए आया करती थी। आज भी यहाँ मोरों के दर्शन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ मोर बनकर नृत्य करने के लिए आते हैं। जरूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में तो मेरी राधा रानी लिखिएगा ही, और साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि और भी भक्त जुड़कर हमारे लाइव का आनंद ले सकें और हमारे स्पेशल लाइव के साथ जुड़कर कार्तिक महोत्सव में जो स्पेशल लाइव आने वाले हैं उसका भी लाभ ले सकें। अभी तक अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरी राधा रानी मतलब कि मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, श्री जी हम सबकी है। और श्री जी की मैं कृपा की अगर बात अगर आपको बताऊं तो हमारे परिवार के कितने भक्त हैं जिन्होंने अपने चमत्कार हमें शेयर किए। लेटेस्ट एक मुझे परसों एक भक्त थे, उन्होंने शेयर किया कि उनका एक बहुत दिन पुराना एक काम था जिसकी वजह से बहुत पूरा फैमिली परिवार परेशान रहता था। तो हम सभी भक्तों ने मिलकर उनकी अरदास श्री जी के चरणों में लगाई और श्री जी ने उनकी हाजिरी स्वीकार भी की। और आज उनका कल उनका हमें मैसेज भी आया कि भैया श्री राधा रानी ने हमारा वो नामुमकिन काम मुमकिन में तब्दील कर दिया, ये सब श्री जी की कृपा की वजह से। तभी तो कहते हैं किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
जो वहाँ पे राधा 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 नाम हो जाए। और अभी हम आपको मोरकुटी के दर्शन कराएंगे और आप भी हमारी लाइव में जुड़कर मोरकुटी हाँ जी मोरकुटी के दर्शन कीजिएगा आप, जहाँ ठाकुर जी मोर बनकर श्री जी के चरणों में पड़ गए। श्री जी के जो चरणों में जब मोर बिहारी जी उनके चरणों में पड़े तो वो दृश्य सच में एक अलौकिक और एक भाव रूपेण दृश्य होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी श्री जी को मनाने के लिए श्री जी को बनाने के लिए मोर बन गए, कभी मनिहारे बन गए। हम चल रहे हैं मोरकुटी की ओर, आप भी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी भक्त मोर बिहारी के दर्शन कर सकें। और एकादशी के दिन आपको मोर बिहारी के दर्शन का अगर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए यह साक्षात बांके बिहारी की कृपा है। ताकि बांके बिहारी की कृपा जब आप पर हो जाएगी तो आपको घर बैठे ही वृंदावन और बरसाना का आनंद प्राप्त होगा। हम पहुंच चुके हैं मोर बिहारी जी के मंदिर में, यहाँ भी भक्त दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ भी भक्तों की भीड़ होती है। देखिए यहाँ बहुत भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर श्री मोर बिहारी मोरकुटी। और मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, अभी दर्शन अंदर है, अभी ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ और पेज को फॉलो कीजिएगा मोर बिहारी जी। यहाँ ये प्रीतम मोर बनकर, देखिए ये सभी भक्त मोर बिहारी जी के मंदिर से दर्शन करके निकल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कार्तिक महोत्सव में हम दर्शन करेंगे मोर बिहारी जी के, जहां ऐसा माना जाता है कि आज भी मोर बनकर हमारे ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए कितने भक्तों की जो भीड़ है वो मोर बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए आती है। यह दर्शन बड़े मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमें साकरी खोर से हुए या फिर मंदिर के महल से पीछे वाले रास्ते से होते हुए आना पड़ता है। बहुत दूरी का रास्ता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ के दर्शन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि यह रास्ता वीरान जंगल से होते हुए यहाँ की ओर आता है। और श्री जी को जब एकांत में जब जाना होता था तो श्री जी मोर बिहारी की यहाँ मोरकुटी पर आती थी। जब श्री जी इस तरह से जब आती थी तो ठाकुर जी और जो प्रिय प्रीतम के जो दर्शन का सौभाग्य जो होता था वो बहुत ही अलौकिक होता था। यहाँ जब राधारानी जब आती थी तो जब मोरों के लिए, देखिए मोरों के दर्शन जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ मोर भगवान के लिए श्री जी दाना लेकर आती थी। और हमारे ठाकुर जी यहाँ मोर बनकर नृत्य करते थे। यहाँ हर जगह मोर ही मोर है, मोर मतलब कि साक्षात गोविंद ने हम अपने सिर पर मोर पंख को धारण किया है। जैसे देखिए हमारे ठाकुर जी के मस्तक पर जब तक मोर पंख नहीं होता है तब तक हमारे ठाकुर का श्रृंगार अधूरा रहता है। वो काना मोर बनवायो रसिया, वो मोर कुटी पर काना मोर बनवायो रसिया। शेयर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा और श्री जी की एक एक लीलाओं को दर्शन कीजिएगा हमारे साथ हमारे पेज पर जुड़कर। और सभी भक्त आज शाम का लाइव बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। आज शाम को हम स्पेशल लाइव ठीक 7:30 बजे आपके लिए हाजिर होंगे फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से। और हमारा जो ग्रुप है वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं नंबर मेंशन करूँगा, आज शाम से अपना नंबर मेंशन करूँगा। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी लाभ लीजिएगा हमारी लीलाओं का। और ऐसी मान्यता मानी जाती है जब ठाकुर जी मोर बनकर जब श्री जी को मना लिए तो ठाकुर जी ने बस एक ही बात कही कि मैं हमेशा अपने श्रृंगार में
मोर पंख जरूर धारण करूंगा। आपने कभी देखा होगा कि ठाकुर जी के श्रृंगार में मोर पंख हमेशा धारण होती है, बिना मोर पंख के ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा होता है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की ओर, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, शेयर करते रहिएगा, राधे राधे तो बोलते रहिएगा, क्योंकि एक राधा रानी का नाम लेने से आपके जीवन की सारी बाधाएं कट जाएंगी। एक राधा रानी का नाम लेने से, श्री जी का नाम लेने से आपके जीवन की सभी बाधाएं कट जाएंगी। तो आप लेते रहिए श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। यहाँ ये जो पद है, मोर कुटी जब आना, लाना मोर खिलाने दाना, मतलब मोर भगवान के लिए दाना जरूर लेकर आना, लाना मोर कुटी जब दाना, राधा रानी को दे जाना। यहाँ मतलब ऐसा माना जाता है कि राधा रानी भी मोर बिहारी के लिए दाना लेकर आती थी, और मोर भगवान के लिए दाना चुगाने के लिए नित्य प्रति यहाँ मोर कुटी पर शाम के टाइम मोर भगवान के लिए दाना चुगाने के लिए एकांत में आती थी। जब राधा रानी जब लूट गई ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी इसी स्थान पर श्री राधा रानी को मनाने के लिए आए। देखिए यहाँ की जो लीला है बहुत ही अलौकिक और दिव्य है, और चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम अंदर से आपको दर्शन कराते हैं। पहले हम मत्था टेके हैं, महाराज जी राधे श्याम, बोली राधा रानी की जय हो, मोर बिहारी लाल की जय हो, मोर बिहारी लाल की जय हो, जय हो मोर बिहारी लाल की। देखिए मोर बिहारी जी के दर्शन तो नहीं है, लेकिन हम बाहर से उनकी चौखट के दर्शन जरूर कराएंगे आपको, क्योंकि यहाँ विक्रय विक्रय के दर्शन अलाउ नहीं है। लेकिन एक बार सभी कुंज बिहारी श्री हरदास का भी जाप करते रहिएगा। अभी मोर बिहारी जी की यहाँ देखिए व्यंजनों के भोग लगते हैं, अभी भोग लग रहे हैं, और आप भी हमारे साथ दहलीज पर मत्था टेक लीजिएगा और राधे राधे बोल लीजिएगा, बोलिए राधा रानी की जय, मोर बिहारी लाल की जय हो। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं मोर भगवान के। देखिए ये है मोर भगवान के दर्शन का जो सौभाग्य है, यहाँ हमारी श्री जी जब दर्शन करती हैं तो ठाकुर जी मोर बनकर नृत्य करते हैं। देखिए ठाकुर जी का नृत्य जो आप देख रहे हैं मोर भगवान के लिए, और जब श्री जी इस रूप में मोर भगवान के लिए मोरों के लिए दाना लेकर आती थी, जब दाना चुगाती थी, तो जब श्री जी जब मोर भगवान को दाना चुगा रही थी, और ठाकुर जी जब मोर बने हुए थे, ठाकुर जी जब मोर बनकर जब आए तो श्री जी को पता भी नहीं चला, श्री जी खुद ठाकुर जी को दाना चुगाने लगे। जब यहाँ दाना चुगाया, जब यहाँ दाना चुगाया, श्री जी अपनी अष्ट सखियों के साथ मोर कुटी जब आई और दाना जब चुका रही थी, जब ठाकुर जी ने जब श्री जी को मना लिया, तो देखिए ऐसा नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिला। ठाकुर जी श्री जी की श्री जी के चरणों में गिर गए, और श्री जी ने उन्हें पहचान लिया। देखिए ये सुंदर शायद फोटो कहीं हमें देखने को नहीं मिला, जो हमें मोर कुटी पर इस सुंदर प्रिय प्रीतम के प्रेम का जो दर्शन हुआ हमें, ये है प्रिय प्रीतम का वो प्रेम जो कि हमें मोर कुटी पर देखने को मिलता है। और चलिए अब हम महाराज जी के भी दर्शन कराते हैं। बोले स्वामी हरदास जी महाराज की जय हो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और ये देखिए यहाँ हर चीज़, यहाँ हर चीज़ मोरों की पंख में है। देखिए कितने सुंदर मोर पंख है यहाँ की, यहाँ भी देखिए तो मोर पंख इतनी सुंदर है, आप भी दर्शन कीजिएगा मोर बिहारी लाल के दर्शन। और देखिए मोर बिहारी जी का भी भोग आया हुआ है, तो यहाँ देखिए मोर जो मोरों के दर्शन है। और चलिए हम यहाँ आपको एक बार मत्था टिकवा देते हैं, मोर बिहारी लाल जी के जय हो, विश्वा नंदनी की जय हो, राधा रानी की जय। सभी अपनी हाजिरी मोर बिहारी जी के चरणों में लगा लीजिए, और चलते हैं हम आगे की ओर। और चलिए हम निकल चुके हैं मोर बिहारी से,
हम चलिए हम आपको श्री जी के चरणों के दर्शन भी कराएंगे। श्री जी के चरणों के जो दर्शन है, जो कि हम हमेशा गाते हैं, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। तो श्री जी के दर्शनों के लिए हमें उसी रास्ते से लौटना पड़ता है, इसी रास्ते से हमें वापस जाना होता है। कभी भी अगर आप आओ तो इसी सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे होते हुए श्री जी के चरणों के भी दर्शन जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बल्कि गर्ग संहिता में भी ऐसा लिखा गया है कि जो भी भक्त ठाकुर जी के हस्त कमल और श्री जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो उन्हें साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी गोलोक धाम की दर्शन अगर करने हैं, क्योंकि देखिए प्रभु के दर्शन के बाद तो अगर मृत्यु भी अगर मिले तो प्रभु जहां आपकी इच्छा हो वहां आप दीजिए, लेकिन जब हम हस्त कमलों के और चरण कमलों के दर्शन करेंगे तो साक्षात हम गोविंद के पास हमें जगह मिलेगी, उनके चरणों में हमें जगह मिलेगी। और देखिए हम पहुंचने वाले हैं श्री जी के चरण कमलों की ओर, चरण चिन्हों की ओर। जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके एक शेयर के माध्यम से सभी भक्तों को श्री जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो। और देखिए यहाँ जो एक छोटा सा जो रास्ता है वो श्री जी के चरण कमलों की ओर जाता है। शेयर जरूर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। और फिर से हम आ चुके हैं श्री जी के चरण चिन्ह के दर्शन करने के लिए। राधे श्याम, राधे श्याम। और जरूर देखिए हम पहुंच चुके हैं श्री जी के साक्षात चरणों के दर्शन के लिए। हम तो कहते हैं कि श्री जी के चरण इतने प्यारे हैं और अगर हमें इनके चरणों का अगर दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा तो कितना आनंदमय होगा। सबसे पहले आप प्रिया प्रीतम के दर्शन कीजिए। यहाँ झूला भी लगा हुआ है, यहाँ आपको श्रीनाथ जी के भी दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा और साथ में ललिता सखी और फिर विशाखा सखी के भी दर्शन यहाँ आपको प्राप्त होंगे। और हम आपको अब सालिग्राम जी के दर्शन करा देते हैं। गोपाल जी, सालिग्राम जी, ये हमारे गिरि गोवर्धन नाथ जी, ये ठाकुर जी की पाग है, ठाकुर जी की पगड़ी है जो कि बाबा महाराज ने बनाई है। ये ठाकुर जी का मोर पंख है जिसे हम टोपी कहते हैं, ये हमारे गोपाल जी का मोर पंख। और ये हमारे छोटे छोटे गोपाल जी की बालों की जो बालों के दर्शन है, ये टोपी है। और चलिए अब हम आपको श्री जी के उन चरणों के दर्शन कराते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज श्रृंगार बहुत ही सुंदर है। पहले तो ये दर्शन कीजिए प्रिया प्रीतम के, इस पेंटिंग के दर्शन कीजिए, इस छवि के दर्शन कीजिए आप। ये बहुत ही सुंदर छवि है, बहुत सुंदर छवि है। और देखिए ये चित्रपट के माध्यम से ठाकुर जी और श्री जी के चरण चिन्ह है, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और फिर उसके बाद श्री राधा रानी के चरण चिन्ह। देखिए यहाँ चिन्हों के दर्शन का जो आपको सौभाग्य अगर प्राप्त करना है तो आपको मोरकुटी से गेवरवन वाले रास्ते की ओर आना पड़ेगा। यहाँ सखियों के भी चित्रपट के हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त मिल रहा है। और चलिए अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री राधा रानी के चरण कमलों के। श्री राधा रानी के चरण कमलों के जो दर्शन आप कर रहे हो जरूर शेयर कीजिएगा। और दर्शन करते ही सभी भक्तों से बस यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सभी भक्त, मेरा परिवार, सभी मिलकर शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्तों को श्री राधा रानी के चरण चिन्हों के दर्शन हो। तो चलिए अब हम श्री जी के दर्शन करा रहे हैं, श्री जी के चरणों के दर्शन करा रहे हैं आपको।
देखिए कितनी सुंदर पायल है, कितनी सुंदर पायल है श्री जी की, तो आप जरूर शेयर कर दीजिए और ताकि सभी भक्त भी जुड़ सकें, श्री जी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। ये श्री राधा रानी के चरण हैं और ये जो चरण है वो हमारे ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। प्रिय प्रीतम का जो यह जो चरणों का जो दर्शन है उस रूप को मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो ये वाला रूप है। तो प्रिय प्रीतम जो ठाकुर जी एक उंगली पर जो खड़े होते हैं, एक उंगली जो होती है उस पर जो खड़े होते हैं वो दर्शन का सौभाग्य है यहाँ पर जो आपको दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये आपको जो दर्शन का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप तो इसका लाभ कमाइए। आप तो मानसिक रूप से परिक्रमा का जो आनंद ले रहे हैं और साथ में श्री जी के चरणों के भी दर्शन का सौभाग्य जो प्राप्त कर रहे हैं, आप जरूर कीजिएगा, साथ के साथ और भी भक्तों को करने का सौभाग्य प्राप्त कराइएगा। और उनको भी अगर फल मिलेगा तो उसका आधा फल तो आपको ही मिलेगा। अगर आपके माध्यम से जो भी भक्त जुड़ेंगे उनको जितना भी फल, जितनी भी कृपा श्री राधा रानी की उन पर होगी, उनकी आधी कृपा तो आपको खुद ब खुद हो जाएगी। देखिए ये श्री जी के चरण, श्री जी के चरण है, श्री जी के चरणों के चिन्ह है। वहाँ ठाकुर जी के, वहाँ ठाकुर जी के हस्तकमलों के चिन्ह थे, यहाँ श्री जी के और यहाँ ठाकुर जी के भी दोनों के दर्शन है। यहाँ कहते हैं एक प्राण तो देही राधा कृष्ण सनेही, यहाँ एक ही रूप में दर्शन होते हैं आपको। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और सभी हमारे लाइव में जुड़े रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा और ऐसे ही शेयर करते रहिएगा। श्री जी के चरणों के दर्शन के बाद हम आपको लिए चलेंगे गहवर वन पर। गहवर वन जहाँ ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा था श्री राधा रानी की प्यास के लिए, ऐसा माना जाता है। हम वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। ये जो हार है वही जो हार है जो ठाकुर जी प्रिय प्रीतम शाम के टाइम श्री जी धारण करती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और राधे राधे तो बोलते रहिएगा, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे श्याम महाराज। और चलिए चलते हैं हमारे साथ गहवर कुंड, गहवर कुंड के दर्शन। यहाँ से थोड़ा सा आराम से आइएगा, यहाँ और आप भी हमारे लाइव को बहुत शेयर करते हैं और उसके बाद श्री जी की कृपा आप सभी पर होगी। जो भी भक्त, देखिए मैंने पहले भी कहा, जो भक्त श्री जी का प्रचार करते हैं, श्री राधा रानी का प्रचार करते हैं, राधा रानी उन पर कृपा करती है। राधे श्याम, श्री राधा रानी उन पर कृपा करती है जिन्होंने भी श्री राधा रानी का प्रचार किया, श्री राधा नाम को अपना समझ के राधा रानी का गुणगान किया, उन पर साक्षात श्री जी की कृपा हुई। तो आप सभी तो मेरी राधा रानी परिवार के वो भक्त हैं, वो स्पेशल भक्त हैं, वो टॉप फैन हैं श्री जी के। तो श्री जी की कृपा तो आप पर होगी और हम बस यही कामना करते हैं कि श्री जी और बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। बोली राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय हो। और चलिए हमारे साथ लाइव में आगे चलते हुए गहवर कुंड के दर्शन कर रही है। और यहाँ जो सामने हम जो देख रहे हैं वह गहवर वन बिहारी जी हैं। हम चलिए आज यहाँ भी चलते हैं, पहली बार गहवर वन बिहारी जी के दर्शन कराएंगे आपको। जरूर वीडियो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। गहवर वन बिहारी जी के दर्शन, पहली बार आपको यह दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए ये जो दर्शन है वो गहवर वन बिहारी जी के दर्शन है। अच्छा ये वाले दर्शन तो मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। जो मंदिर का जो बिल्कुल जो नज़ारा है वो बिल्कुल चित्रा सखी के जैसा है, जैसा कि आप चित्रा सखी में जो दर्शन करते हैं उसी तरह के दर्शन हमें यहाँ गहवर वन बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बोली गहवर वन बिहारी लाल जी की जय हो। यहाँ भी
ललिता विशाखा सखियों के दर्शन का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। राधे राधे बोलते रहिए और शेयर भी करते रहिए। राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी राधे सा। और सभी भक्त यहाँ अभी महाराज जी ने ये प्रसाद दिया, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के जिस दिन जो प्रसाद होता है वह माखन मिश्री का प्रसाद होता है, क्योंकि व्रत में एकादशी के दिन सभी मंदिरों में मिश्री और किशमिश का प्रसाद का भोग लगता है। यहाँ भी गहवरवन बिहारी जी के बहुत सुंदर दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम पहुँच चुके हैं गहवर कुंड। गहवर कुंड समझ सकते हैं कि साक्षात राधे श्याम किशोरी मोहित सोनी सेवा दीजिए। कहते हैं नहीं नहीं करो करो, कहते हैं श्री जी के महलों में, श्री जी के ब्रज में अगर सोनी सेवा का भी अगर सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए साक्षात श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो ब्रज की सोनी सेवा है। ठाकुर जी भी तरसते हैं, सभी भक्त तरसते हैं। देखिए यहाँ गहवर कुंड पर सोनी सेवा हो रही है। चलिए हम आपको यहाँ भी गहवर कुंड पर दीप महोत्सव होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना है, दीप दान होता रहता है। अभी हम यहाँ आपको आचमन करवाते हैं गहवर कुंड के मानसिक ही सही। यहाँ भी जैसे राधा कुंड में मान्यता है श्री जी की, उसी तरह गहवर कुंड पर भी साक्षात श्री जी की मान्यता मानी जाती है। यहाँ भी सभी भक्तों आचमन लेते हैं और राधे राधे बोलते रहते हैं, फिर यहाँ की परिक्रमा भी लगाते हैं। तो चलिए हम भी, हमने भी आचमन ले लिया है आप सब की तरफ से। ऐसा माना जाता है, मैंने पहले भी यह कथा सुनाई आपको, कि जब हमारी श्री राधा रानी अपनी गोपियों के साथ दूध दही बेचने के लिए जब यहाँ से जाया करती थी, तो ठाकुर जी नंदगांव से श्री जी से मिलने के लिए यहाँ आते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री राधा रानी को बहुत तेज प्यास लगी। तो श्री राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, हे मेरे प्यारे। जब श्री जी ने बस प्यारे कहा तो ठाकुर जी तो मुरझा गए, ठाकुर जी तो घायल हो गए। जब श्री जी जब प्यारे कहती है ना, प्यारे उस शब्द को जब बोलती है, ठाकुर जी घायल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और बस उस शब्द से, उस शब्द को सुनकर बस श्री जी को निहारते रहते हैं। उसके बाद में पता है आप क्या जवाब देते हैं, हे श्यामा प्यारी जी, आप कहो तो सही कहाँ कहना चाह रही हो। तो जब श्री जी कहती हैं, हे प्यारे आज तो बहुत तेज प्यास लगी है, जल पिलाओ ना। ठाकुर जी इस वन में चारों तरफ देखते हैं, जो कि पूरी तरह से वृक्षों से लदा हुआ होता है। यहाँ सूर्य की किरण भी नहीं आती, चारों तरफ से ये वृक्ष लगे हुए होते हैं। तो ठाकुर जी ने प्रिया जी के कहने पर, प्रिया जी की प्यास बुझाने के लिए हमारे गोविंद ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को खोदा था और इस कुंड के जल से श्री जी ने अपनी जो प्यास है वो बुझाई थी। समझ सकते हैं इस जल की कितनी महत्वता है। जैसे गहवर कुंड पर श्री जी ने अपनी प्यास बुझाई, उसी तरह प्रिया कुंड पर श्री राधा रानी ने अपने मेहंदी के
हाथ धोए थे वो है यह गहवर कुंड। यहाँ सभी भक्त आचमन करते हैं और कार्तिक के महीने में तो देखिए एक एक पर्व, एक एक पूजा पाठ, जैसे अधिक के महीने में साक्षात गोलोक धाम के द्वार खुले रहते हैं, उसी तरह कार्तिक महात्म भी एक ऐसा महात्म माना गया है। कार्तिक मास कि इस मास में सभी द्वार खुले रहते हैं, आपकी जो भक्ति होती है वो साक्षात गोविंद के चरणों में अर्पित होती है। तो आप भी जुड़कर लाइव शेयर करते रहिए ताकि मेरी राधारानी परिवार के बहुत सारे भक्त श्री जी की लीलाओं को श्रवण कर सकें। तो सभी को प्यार भरी राधे राधे, प्यार भरी राधे राधे। और चलिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, उस सिंहासन के दर्शन कराते हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि संत बाबा को दर्शन देने के बाद में स्वप्न दिया। आज भी इस सिंहासन का दर्शन बाबा को दिया और बाबा ने इस स्वप्न का पालन किया। तो आप समझ सकते हैं कि जब ठाकुर जी जिस स्वप्न को दे और वह साक्षात हो जाए। देखिए यहाँ से मोरकुटी के दर्शन आपको बहुत सुंदर तरीके से होंगे। यहाँ गैबरकुंड और मोरकुटी के दर्शन दोनों का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इस स्थान से जब हम देखेंगे तो मोरकुटी और गैबरकुंड दोनों के दर्शन हमें एक साथ प्राप्त होंगे। और यहाँ भी बहुत भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं वह वही सिंहासन है, और जो ऊपर देख रहे हैं वह है मानगढ़। यहाँ श्री जी को मनाने के लिए विशाखा सखी से अनुरोध करना पड़ा, और जब विशाखा सखी ने हमारे गोविंद को गोपी बनाकर श्री जी के पास भेजा, ये वही स्थान है। यहाँ के हम पहले भी आपको दर्शन करा दिए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस सिंहासन के दर्शन करने के लिए, जो कि मान्यता ऐसी मानी जाती है कि यह सिंहासन कई वर्ष पुराना है। यहाँ आज भी प्रिय प्रीतम रास करने के लिए आते हैं। तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मेरी राधारानी परिवार के सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि आप यह वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों को दर्शन हो सकें। तो हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी की उस स्थली पर, उस सिंहासन पर जहाँ की प्रिय प्रीतम आज भी रास करने के लिए इसी स्थान पर आते हैं। जैसे कि वृंदावन में निधवन जाते हैं, उसी तरह बरसाना में जब श्री जी को रास करने का जब मन होता है तो प्रिय प्रीतम इसी स्थान पर रास करने के लिए आते हैं। तो चलिए हम एक बार यहाँ मत्था टेक लेते हैं। बल्कि मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है जो कि मेरे यूट्यूब पर है, तो आप सभी वहाँ भी जाकर इसकी पूरी लीला समझ सकते हैं। तो हम एक बार मत्था टेक लेते हैं। तो आप सभी यहाँ मत्था टेकिएगा। बोले राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय हो, राधा रानी की जय। और सभी दीपोत्सव का भी आनंद लीजिएगा यहाँ। और हम यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं इस सिंहासन की। देखिए जो पूरे अराउंड में है, पूरे अराउंड में जो है गोल जो सर्कल बना हुआ है वो सिंहासन है, यहाँ रासमंडल है। चलिए हम यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ भक्त शांति में, बिल्कुल शांति में, देखिए यहाँ जो भक्ति होती है वो ऐसी ही होती है। जय हो राधा रानी की जय। गेट लगा दिया और हम चलते हैं आगे की ओर।
आज की जो एकादशी है कार्तिक मास की, ये हमारे लिए स्पेशल है और आपके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि शाम को भी हम स्पेशल लेकर आएंगे। तो चलिए हम आपको एक और चिन्हों के दर्शन करा रहे हैं जो कि झाड़ियों के बीचों बीच से होते हुए निकलते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ विष्णु भगवान का जो शंख है उसके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम आपको श्री विष्णु भगवान की शंख शिला, मतलब कि एक पर्वत पर शंख के चिन्हों के दर्शन करा रहे हैं। पर्वत पर शंखों के चिन्ह समझ सकते हैं कि पर्वत पर श्री राधा रानी के चरण चिन्ह, ठाकुर जी के हस्त कमल के चिन्ह और यहाँ शंख शिला के दर्शन चिन्ह, तो समझ सकते हैं कितने सुंदर दर्शन होंगे। और बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे दर्शन शायद ही आपको बरसाना आकर भी नहीं होंगे। ये जो दर्शन है वो आपको बरसाना में भी नहीं होंगे, जो आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जरूर शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और हम पहुंच चुके हैं शंख शिला की ओर, जहां विष्णु भगवान की शंख के दर्शन होते हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं उस शिला की ओर। आप सभी पहले शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्तों को जुड़कर यह दर्शन प्राप्त हो सके। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह वही शंख है विष्णु भगवान का, जो शंख के जो दर्शन है वो इसी शिला के माध्यम से आपको होते हैं। जैसे कि विष्णु भगवान का जो शंख है वो इस तरह से इस आकृति में बना हुआ है। आप पूरा ये पर्वत देख सकते हैं कि किस तरह से है, लेकिन जो शंख का जो आकार है वो आपको साक्षात इस शिला में दिख रहा है। इस शिला को हम शंख शिला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ विष्णु भगवान के शंख के दर्शन है, वैसे हम शंख शिला कहते हैं। आप भी एक बार यहाँ जूम करके मत्था टेकिएगा। और आज यह दर्शन पहली बार हमें भी यहाँ पहली बार हुए हैं आपके माध्यम से। ग्यावरवन बिहारी जी के दर्शन, शंख शिला के दर्शन हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, अपनी परिक्रमा को आगे लिए चलते हैं। यह जो रास्ता है वह परिक्रमा का रास्ता है, सभी भक्त यहाँ से परिक्रमा दे रहे हैं। यह दूसरा रास्ता है, और हमारे लाइव को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही श्री जी की कृपा आप तक पहुंचती रहेगी। दोनों तरफ बीच में जो है वह श्री जी की परिक्रमा है, और अगल बगल श्यामवर्ण पर्वत और गौरवर्ण, मतलब श्री राधा रानी और ठाकुर जी के पर्वतों के दर्शन है। यहाँ भक्तों की भीड़ है। हम आ चुके हैं मेन परिक्रमा के रास्ते में, आप भक्तों के दर्शन से ही समझ सकते हैं कि गैवर वन की यह परिक्रमा का कितना फल होगा। यह कोई भक्त दिल्ली से नहीं, बंबई से नहीं, एकादशी के दिन हमारे सभी ब्रजवासी श्री जी की परिक्रमा देते हैं। ये तो आपको ही पता है कि ब्रजवासी हमारे गोविंद को कितने प्यारे हैं। अगर आपको ब्रजवासियों के भी दर्शन हो जाएं, ब्रजवासियों के भी दर्शन अगर हो गए, तो समझ लीजिए श्री जी और बिहारी जी की कृपा आप पर पहुंच चुकी। जय हो सीताराम महाराज की जय हो। जय हो सीताराम। हाँ, आज पोशाक बहुत सुंदर पोशाक है।
और आप जब भी आइएगा जरूर दर्शन कीजिएगा। और घी चाहिए? चलो मैं भिजवा दूंगा। घी चाहिए, बत्ती चाहिए आपको? घी चाहिए? चलो एक किलो डब्बा मैं शाम को भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है, मैं भिजवा दूंगा शाम को या कल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अरे नहीं नहीं अरे महाराज जी, और जरूर महाराज जी से मिलिएगा। यहाँ महाराज जी ने भी ये सेवा बोली है, जरूर आज हम शाम को यहाँ सीताराम जानकी जी मंदिर में जरूर महाराज जी आ जाएगा। और जब खत्म हो जाए फिर बता देना, ठीक है? जब भी खत्म हो, अभी सर मैं तो शायद नहीं आ पाऊँ, वो आएगा, वो जरूर ले आएगा लड़का आपके लिए सुबह, शाम को भिजवा दूँ तो कल सुबह। ठीक है महाराज जी, चलिए राधे राधे। ठीक है महाराज जी, राधे साहब। देखिए ऐसी सेवा कहाँ से मिलती है, जो कि बड़ी सेवा नहीं है, लेकिन ये सेवा दिल की सेवा है, भाव भरी सेवा है। स्वयं जानकी जी महाराज ने, सीताराम जी ने ऐसा समय अवसर दिया कि उनके दीपक की बत्तियों के लिए जो हम करते हैं दीप महोत्सव करते हैं, उसी तरह कार्तिक के महीने में हम सीताराम जी की दीपोत्सव का हमें मौका मिला, तो हम जरूर आज शाम को यह सेवा करेंगे। यहाँ भोले जी के दर्शन हैं, ये भी आप जरूर कीजिएगा, भोले बाबा की जय। और भक्तों का आनंद हमें मिल रहा है। चलिए जो भी भक्त अपना भाव अगर सुनाना चाहे, दो दो मिनट का, ज़्यादा नहीं, दो दो मिनट का, वो मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। और एकादशी के पर्व पर अपने भाव श्री जी को अर्पित कीजिए। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हो जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हैप्पी बाबा का जो एक किलो घी जो ना सीताराम मंदिर, एक किलो डब्बा लिया। तो चलिए अब हम कुशल बिहारी जी के मंदिर की ओर चलते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। कौन से भक्त हमारे साथ लाइव में जुड़कर श्री जी की परिक्रमा में अपना भाव सुनाएंगे एकादशी के पर्व पर, और आज शाम का भी लाइव जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक 7:30 बजे। और हमारे ब्रजवासी भी इस लाइव का आनंद ले रहे हैं, दूर है लेकिन फिर भी श्री जी के पास है। देखिए भोली गोपी राधे राधे, यहाँ तो हर कण कण में, जैसे कि गिरिराज धरण में हर कण कण में, हर पर्वत में श्री गिरिराज जी के दर्शन है। राधे 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 जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भैया जी। जय हो जय हो। श्री जी की सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं कभी वृंदावन गई नहीं, आप कृपा कीजिए कि श्री जी बुलाए अपने चौखट तक, हमें भी मौका मिले उनके चरणों की दर्शन की। बरसाने वाली महिमा न्यारी सबकी दुलारी, मेरी प्यारी प्यारी श्री राधा,
श्री राधा मेरे मन की हर लो बाधा स्वामिनी श्री राधा मेरे मन की हर लो बाधा स्वामिनी श्री राधा मेरे भी तो भाग्य जगा दो एक झलक शोमा दिखला दो मेरी भी तो भाग्य जगा दो एक झलक शोमा दिखला दो उन्हें मांगू मैं तुमसे ज्यादा स्वामिनी श्री राधा उन्हें मांगू मैं तुमसे ज्यादा स्वामिनी श्री राधा कृपा मई श्री राधा रानी मेरी भी तो पुकार सुन लो मेरी भी तो भाग्य जगा दो एक झलक शमा दिखला दो फूल ही कुछ मैं और मांगू लाडली श्री राधे मेरे भी तो भाग जगा दे स्वामी श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे। देखिए हम दान दान गर्भ के दर्शन आप कर रहे हैं देखिए यहाँ एक सुंदर पद जो लिखा हुआ है मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यह रास्ता है सुनसान जरा ध्यान कीजिए यह रास्ता है सुनसान जरा ध्यान कीजिए यहाँ ठाकुर मांगे दान थोड़ा दान दीजिए। यहाँ स्वयं ठाकुर जी दान मांगते हैं इसलिए इसका नाम दानगढ़ है। यहाँ ठाकुर जी दान मांगते हैं तो कहते हैं यहाँ ठाकुर मांगे दान थोड़ा दान दीजिए यहाँ जब भी आए तो दान दीजिए। जब जब ठाकुर जी ने दान मांग लिया इस स्थान पर कहते हैं दान मंदिर प्रार्थना मंत्र। ये मंत्र है श्री दान बिहारी जी का तो जब भी यहाँ आइएगा जरूर दर्शन कीजिएगा। यह कुशल बिहारी प्रतिमा मार्ग में कुशल बिहारी जी से पीछे की तरफ ये रास्ता है यहाँ दान बिहारी जी के दर्शन है। बहुत ही अनोखे को दिव्य दर्शन आप जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं वो हमारे ठाकुर जी का रास मंडल और जो झूला होता है झूलन महोत्सव जो होता है देखिए कितने सुंदर सुंदर पैरट दो बैठे हुए हैं यहाँ ये भी बहुत ही भाग्यशाली है जो प्रिया प्रीतम की ऐसी स्थलियों पर बैठकर अपने आप को धन्य धन्य करते हैं जहाँ प्रिया प्रीतम की रास मंडली है जब राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ मिलकर रास करती हैं और जब श्री जी और प्रिया प्रीतम जब झूला झूल रहे होते हैं तो अष्ट सखियां उन्हें झूलन महोत्सव के लिए लोरी और पद सुनाती है प्रिया प्रीतम आलिंगन एक दूसरे की। जब श्री जी का जो सर है वो ठाकुर जी के कंधे पर होता है और श्री ठाकुर जी का जो हाथ जो श्री जी के कंधे पर होता है तो ऐसा मिलन होता है प्रिया प्रीतम का झूलन महोत्सव चल रहा होता है और सभी अष्ट सखियां यहाँ झूलन महोत्सव के गीत गाती हैं और ये ऐसा माना जाता है कि राधे श्याम ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में श्री जी अपने चारों जो स्थल हैं जहाँ ऐसे दिव्य झूले जो बने हुए हैं प्राकृतिक जो कि बहुत कई वर्ष पुराने हैं ये रिपेयर होते रहते हैं यहाँ झूलने के लिए आज भी श्री राधा रानी यहाँ आती हैं अष्ट सखियों के साथ जो लीलाएं होती है सावन भादों की जो लीलाएं हैं बूढ़ी लीला आज भी यहाँ इन लीलाओं के दर्शन करके सभी भक्त भाव विभोर होते हैं। और यह लाइव आज का ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए ताकि जिन्होंने भी नहीं किया है आज वो भी कर दीजिए क्योंकि एकादशी का पर्व है ताकि आपके एक क्लिक करने से और भी भक्त जुड़ेंगे और लाइव का आनंद लेंगे।
जरे पर हमारी दृष्टि संसारी है ना, वह देख ना सके नहीं, वो सब यहाँ तो मणिन के खम्मा एकादशी की कथा चल रही है, सभी ब्रज गोपियां कथा सुन रही है, रमा एकादशी है। बल्कि हमारे ब्रज में तो जो भी गोपी आती है तो बस एक ही बात कहती है कि अरे गोपी, बस एक ही बात याद रखियो, सिर्फ एक ते बच कर रही हो, बस सिर्फ एक ते बच कर रही हो। गोपी कहती है किससे बच कर रहे, इस ब्रज में आए फिर भी बच्चे बच्चे डोला है। कहने लगी हाँ, सिर्फ एक बात छलिया थे, अगर तू बच गई तो समझ लियो, लेकिन अगर तेरी जा दिन तेरी नजर तो बात छलिया पर डर गई, सब कुछ शुद्ध बुद्ध पड़ गई छलिया नंद किशोर, छलिया नंद किशोर पर अगर तेरी नजर जा दिन पड़ गई तो समझ लीजिए तेरी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठेगी और दीवानी है जाएगी तीजा। छलिया की ये जो मंदिर है वह कुशल बिहारी जी का मंदिर है, तो आप यहाँ भी दर्शन कीजिए। वैसे ये पार्किंग स्थल भी है। और चलिए अब हम चलते हैं आगे, स्वामी जी महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जो जहाँ की हम आपको हर बार देली मंदिर से मत्था टेकवाते हैं, और आज हम आपको वहीं पहुंचकर श्री स्वामी जी महाराज श्री नारायण भट्ट जी और उनके शिष्य श्री गोस्वामी नारायण दास जी जिनकी कृपा से हमें श्री जी की सेवा करने का मौका मिला, तो आज हम आपको श्री नारायण भट्ट जी और गोस्वामी नारायण दास जी के दर्शन करा रहे हैं। वीडियो शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और उससे पहले मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, स्वामी जी महाराज से पहले एक स्थल पड़ता है जानकी जो है नागरी दास जी की समाधि, नागरी दास जी की समाधि है। तो यहाँ भी आप परिक्रमा लगाइएगा। नागरी दास जी ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं, बहुत सुंदर पद के माध्यम से श्री जी को और बरसाने को रिझाया है। आप ऐसे ही शेयर करते रहिए। देखिए ये नागरी दास जी की समाधि, हम यहाँ परिक्रमा लगाते हैं पहले इनकी, और अपनी लाइव को आगे की ओर लिए चलते हैं। और फिर हम पहुंच चुके हैं श्री नारायण भट्ट जू की तपस्या स्थली की ओर। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, आप सभी एक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्त इस दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सके। देखिए हम पहुंच चुके हैं श्री नारायण भट्ट जी और श्री नारायण दास जी की समाधि, पहले हम परिक्रमा लगाते हैं और फिर हम उनके दर्शन कराएंगे। दर्शन करते ही आप सभी भक्त औरों को भी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप औरों को भी शेयर कीजिए। और कल से हम स्पेशल दर्शन भी नारायण भट्ट जी के करेंगे। देखिए नारायण भट्ट जी की कृपा ऐसी है कि इन्होंने कभी अपने मंदिर को बनवाया नहीं, इसी तरह वीरान जंगल में उन्होंने तपस्या करके जब श्री लाडली जी को प्रकट किया, तो आज भी वह इसी स्थान पर रहना पसंद करते हैं। और पुजारी जी जब श्रृंगार आरती करते हैं, श्रृंगार आरती का भोग लगाते हैं, तो श्री जी का जो जल जो होता है, अभिषेक का जो जल होता है, वह चांदी की लुटिया में और चंदन और चन्ना मिर्च और साथ में श्री राधा रानी का वीणा प्रसाद, श्री राधा रानी का इत्र प्रसाद, और जो रात्रि में जो श्रृंगार आरती में जो भोग लगता है वह प्रसाद श्रृंगार आरती के बाद में स्वामी जी महाराज के लिए लेकर आते हैं। सभी गोस्वामी श्रृंगार आरती के बाद में स्वामी जी महाराज की पूजा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पहले स्वामी जी महाराज को स्नान कराते हैं, इत्र की मालिश करते हैं, मालाएं अर्पित करते हैं। मालाएं अर्पित करने के बाद में स्वामी जी महाराज को भोग लगाते हैं, इत्र के
इत्र का फुआ लगाते हैं स्वामी जी महाराज को। ऐसा माना जाता है श्री स्वामी जी महाराज की स्थली पर नित्य प्रति पुजारी जी डेली आते हैं और हमारे प्रेमदास बाबा श्री जी के मंदिर से मालाएं लेकर स्वामी जी महाराज और ब्रह्मा जी पर डेली भोग लगाने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो संत है सच में वो स्वामी जी महाराज की कृपा चाहते हैं। आपने भी इन दर्शन किए तो आप पर भी स्वामी जी महाराज की साक्षात कृपा हो। हमारे स्वामी जी ने ब्रज के कई स्थलों को प्रकट किया जिनका भक्तों को पता भी नहीं था, जिसमें लाडले ठाकुर जी को साथ में लेकर ब्रज यात्रा की उसके बाद कई जगह विग्रह प्रकट किए, कई जगह स्थलों को प्रकट किया, कई जगह सिंहासन को प्रकट किया। और ठीक हम पहुंच चुके हैं श्री जी के मंदिर की ओर। राधे राधे बोलते रहिए और हमारी परिक्रमा भी श्री जी के मंदिर तक पहुंच रही है, जिसका कि आप सभी लाइव लाभ ले रहे हैं लाइव के माध्यम से। ये सभी देखिए, ये सभी श्री जी के भरोसे बैठते हैं। श्री जी सबको देती है, श्री जी सब पर कृपा बरसाती है। वो कृपा में सरकार है, वो करुणा की खान है, जिस खान में भक्त जाता है वो उसका महाप्रसाद लेकर आता है। और 150 रुपया 5-5 के ले लीजिए। श्री जी के महल के आपको दर्शन हो ही गए होंगे। देखिए हमारा लाइव भी काफी लंबा हो गया, पर आपने इतना साथ दिया, आप सभी भक्तों ने इतना साथ दिया और जुड़े रहे हमारे लाइव के साथ और शेयर भी किया सभी भक्तों ने। सभी भक्तों की कहूँगा, क्योंकि सभी भक्त के सहयोग से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। श्री जी की महल की ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं आप, और हम आ चुके हैं श्री जी के एग्जिट गेट की तरफ, क्योंकि जो परिक्रमा मार्ग है वो एग्जिट गेट से ही हमें एंट्री करना पड़ेगा। मकसद द्वार अलग है लेकिन, और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं यह फोन जिम में रख रहा हूँ लेकिन श्री जी का दर्शन करूंगा और साथ ही साथ मैं श्री जी के श्रृंगार का वर्णन यही करूंगा आपके साथ। आप मेरा मोबाइल तो जिम में रहेगा लेकिन श्रृंगार का वर्णन मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। आप जरूर शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, मत्था टेक लीजिए, जय हो लाडली लाल की जय। और हम पहुंच चुके हैं श्री जाफरानी के महल में। आज श्री जी की जो प्रसाद है तो बहुत ही डार्क कलर की प्रसाद है, इसमें गोल्डन होता है श्री जी के प्रसाद है। ये कितने डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन कलर की जो प्रसाद आज श्री जी ने कहन रखी है, बहुत ही सुंदर जिसमें गोल्डन गोल्डन होता है। चंद्रिका धारण कर रखी है, सोने की चंद्रिका है, बहुत ही छोटी चंदन है आज हमारी श्री राधा रानी की, बहुत ही चंदन है आज तो गालों पर भी श्री जी के छोटे छोटे गालों पर श्री जी ने मीठा मीठा गोपी चंदन लगा रखा है। और श्री राधा रानी ने गले में पाटिया है, श्री राधा रानी के गले में पाटिया है और पूरे जनकन का डायमंड जनकन का हार है, उसमें छोटा है और उसके बाद लाल मोतियों का हार श्री जी ने पहन रखा है। और साथ में श्री राधा रानी ने गुलाब की फूलों का हार पहन रखा है और साथ में एक माला है सफेद फूलों की और गुलाब के फूलों की मोटी माला है आज। और श्री राधा रानी दर्शन दे रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं हमारे गोविंद की, गोविंद सोने के मुकुटों में दर्शन है, बीच में कलंक है, बूढ़ा एक मोटी सी मोटी कटार है, बड़ा सा मोरपंख है, प्यारा सा चंदन है,
गोविंद के स्थान पर और स्थानों में मंत्रागत कुंडल है और हमारे श्री भागवत जी के मेरा सा हार है। फिर उसके बाद एक भजन का सही डायमंड जैसा उठा है, साथ में मधु माला है और एक मोती की माला गोविंद ने पहन रखी है। उसके बाद लाल गुलाब के फूल का हार है श्री गोविंद ने पहन रखा है। हाथ में बंसी है, कमर में मुकुट है, एक ही मुझे में दर्शन है। एक प्राण को गोविंद राधा कृष्ण चले हुए क्या एक ही रूप के दर्शन होते हैं, दो तीन रूप के दर्शन है। क्या हम पूरी देश में आया बलिहारी का देश बनाया, यहाँ ठाकुर जी कभी गोपी बने, कभी बलिहारी बने, कभी कुछ बने, कभी गोपी बन करा है। यहाँ तो भोले बाबा भी श्री राधा रानी का दास देश देखने के लिए फिल्म फिल्मा पर आते हैं। ऐसा नजारा है सरदार का, आप घूमते हैं और लाइव का आनंद लेते हैं। अगर आपने भी ये आनंद लिया तो राधा रानी की जय, मुस्कान दिवाली की जय, भक्तन की प्यारी की जय बाहर है, मुस्कान दिवाली की जय, राधे राधे। और एक बार हम आपको लाइव के माध्यम से आप पूरे मंदिर का व्यू दिखा देते हैं, देखते हैं कितने सभी भक्तों ने जुड़कर श्री जी के श्रृंगार का आनंद लिया। क्योंकि महल में कैमरा अलाउ नहीं है श्री जी के भक्तों का, जो भी भक्त लेते हैं ठीक है। वैसे तो एक ही बात कहूँ, श्री जी को अगर तुम कैमरे में कैप्चर करोगे तो वो श्री जी कैप्चर ही रह जाएगी, आपके कैमरे में रहेगी, आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप श्री राधा रानी को हृदय में बसाओगे तो आपको कभी कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री जी को फोटो में अगर आप लोगे तो आपको मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, लॉक खोलना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना गैलरी में जाना पड़ेगा, तब जाकर गैलरी में भी कई सारी पिक्चरों में से एक श्री जी की पिक्चर देखनी पड़ेगी। कितना काम करना पड़ेगा आपको एक कैमरे में पिक्चर लेने के लिए, लेने के बाद। लेकिन जब आप श्री जी को हृदय में बसाओगे तो उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, हृदय में बसाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करने हैं और आंख बंद करते ही आपको श्री जी के और बिहारी जी के साक्षात दर्शन होंगे। तो आप सोचिए कि श्री जी को तो अपने मन के मंदिर में बसाइए, मेरे प्यारे भक्तों श्री जी को मन के मंदिर में बसाइए, श्री जी को कैमरे में अपने पिक्चर्स लेने की बजाय मन के मंदिर में बसाइए, जो सिर्फ एक बार नेत्र बंद करते ही श्री जी के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सके। और जब कैमरे में बसाओगे तो आपको एक ही श्री जी के श्रृंगार का वही वर्णन होगा, वही आपको देखेगा। लेकिन आप मन के मंदिर में अगर श्री जी को देखोगे ना, मानसिक रूप से भी सही देखोगे तो आपको कलरफुल, कभी नीली तो कभी गुलाबी तो कभी कैसी अलग अलग तरह की पोशाकों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। फैसला आपके पास है कि आप श्री जी को कैमरे में बसाओगे तो कैमरा और आपका जो मोबाइल है वो खो भी सकता है, लेकिन जो मन का मंदिर है ना वो आपके हमेशा हमेशा और हमेशा हृदय में बसा रहेगा। कैमरा खो भी जाएगा, मोबाइल गुम भी हो जाएगा, लेकिन आपके जो नेत्र हैं, जो आपके कोमल जो हृदय के जो नेत्र हैं, वो आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपके प्राण हैं, तब तक आपका हरि नाम आपके साथ है, तब तक वो ठाकुर जी के दर्शन आपके हृदय में होंगे। इसीलिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि श्री राधा रानी को अपनी आंखों बंद करके, नेत्र बंद करके अपने हृदय में बसाइए, कैमरे में ले जाना छोड़ दीजिए। क्योंकि कैमरे में ले जाने की बजाय अगर नेत्र में अगर श्री जी को और बिहारी जी के दर्शन करोगे तो उसका आनंद कुछ अलग ही होगा। जिसके मन के मंदिर में अगर बरसाना और वृंदावन है तो मैं सच बताता हूँ, फिर तो बिहारी जी और श्री जी सच में मन के मंदिर में ही रहते हैं। और जो हमारी अर्जी है तो अर्जी तो आपकी अपने आप ही लग जाती है, जो आप हमारी जो वीडियो शेयर करते हैं और भी भक्तों को जोड़ते हैं तो आपकी हाजिरी तो अपने आप ही लग जाती है। हमारे तरफ से सलोनी जी, निशा जी, अनुप्रिया जी,
इन सभी की हाजिरी तो अपने आप लगती है, और आपकी भी हाजिरी श्री जी के महलों में तो लग ही रही है। तो आज का जो मेरा स्पेशल यही है कि आप श्री जी को अपने मन के मंदिर में बसाइए, और यहाँ अभी दीप सब हुआ है, दीपदान हुआ है यहाँ, तो कार्तिक महीना है, दीप उत्सव चल रहा है। देखिए ये जो बाबा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी मुलाकात कई बार इनसे होती है, और कई बार तो गुस्सा भी आता है इनको, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए श्री जी कितनी दूर है, लेकिन मेरे प्यारे विश्वासी लगे हुए हैं दूर से ही श्री जी को रिझाने के लिए। देखिए मैं जरूर कभी जब बहुत हंसी आती है, कौन देख रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन श्री जी के सामने बस यही सोचते हैं कि श्री जी तो देख ही रही होगी, कोई देखे या ना देखे, लेकिन श्री जी तो मुझे देख रही है। तो हम भी बस यही सोचें, जब मंदिर में आइए तो बस ये सब छोड़ दीजिए कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस ये सोचिए कि श्री जी तो हमको देख रहे हैं, हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको तो बस श्री जी को दिखाना है। और श्री जी को आप जहाँ भी जपोगे, जहाँ भी भजोगे, जहाँ भी श्री जी के लिए नृत्य करोगे, जहाँ भी श्री राधा रानी का नाम लोगे, श्री जी आपको वहीं पर दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। ऐसी है हमारी करुणा की खान श्री राधा रानी। देखिए सभी को कार्तिक मास की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो। श्री राधा रानी से हमारी यही अरदास है, श्री राधा रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी जो हाजिरी है वह स्वीकार करें, और सभी भक्तों जो कि वीडियो शेयर भी कर रहे हैं और हमारे साथ लाइव में अटेंड रहे हैं, उन पर भी श्री जी की कृपा बनी रहे। देखिए यह जो बाबा है डेली श्रृंगार आरती के बाद आते हैं, दर्शन करते हैं, और तकरीबन 10 मिनट तक दूर से ही, अंदर भीड़ होती है तो बाहर आते हैं, नहीं तो अंदर ही श्री जी के सामने नृत्य करते हैं, ऊपर नीचे उछलते कूदते हैं, अपना आनंद लेते हैं, ये किसी को आनंद ना दिलाते हैं, बस खुद का आनंद होता है, जो मन का जो आनंद है ना, वो मन का आनंद आपको खुद से ही मिल सकता है, क्योंकि मन का अगर आपको आनंद लेना है वो खुद से ही लेना पड़ेगा, अकेले में ही लेना पड़ेगा, ना वो दिखाने से मिलता है ना देखने से मिलता है, आनंद जो मन का मिलता है वो खुद ब खुद आपको अपने कोमल हृदय से मिलता है। तो ये बाबा नित्य प्रति ये नित्य करते हैं, और सच में कई बार तो हम भी जब सेवा में होते हैं और देखते रहते हैं बाबा के नृत्य को, वो बड़े जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, बोल राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जोर जोर से। हम श्रृंगार का टाइम होता है हमारा, हम श्रृंगार कर रहे होते हैं, बाबा के जयकारे होते हैं, तो कभी जब हमें बाबा से बोलना पड़ता है, बाबा श्रृंगार चल रहा है, श्री जी को लाडली जी को श्रृंगार है, थोड़ा प्यार से श्री जी को जपिएगा, लेकिन आनंद आता है इतना तो हमें पता है, चाहे ब्रजवासी गुस्से में भी कहें, लेकिन बाबा बेचारे प्यार से श्री जी को फिर जाते रहते हैं, सच में बहुत आनंद आता है ऐसी लीलाएं देखकर। देखिए ये श्री जी का संपूर्ण बरसाना श्री राधा रानी का, और अब हम अपना लाइव विराम करेंगे, और शाम को ठीक 7:30 बजे हम जुड़ेंगे श्री राधा रानी के महल से, हम श्री जी के महल से आज शाम को जुड़ेंगे दीप महोत्सव के साथ, एक छोटे से दीपक के साथ श्री जी की चौखट से,
आज श्री जी की चौखट के भी आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो हमारी लाइव को मिस मत कीजिएगा। 7:30 बजे, 7:30 बजे नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, और 7:30 बजे हमारे साथ जुड़कर श्री जी के महल का आनंद लीजिए। बोली राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय जयकार हो, सभी को जय जय श्री राधे। बोल राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, सभी संतन की जय हो, सभी ब्रजवासिन की जय हो, और सबसे लास्ट में एक ही बात, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, एकादशी की जय जयकार हो। और मैं देखिए अभी तुलसी विवाह भी आएगा, मैं बस लास्ट में आपको तुलसी जी के दर्शन करा कर वीडियो विराम करें। और तुलसी जी के दर्शन, यहाँ अभी मंदिर में भी तुलसी विवाह होता है, यहाँ किसी ने दीप उत्सव किया, तुलसी जी की पूजा की, तो अभी तुलसी विवाह भी होगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइव में आनंद लेते रहिएगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे। मंदिर में देखिए श्री जी के महल में आज एकादशी, तो सभी ब्रजवासियों की भी है, श्री जी के महल के दर्शन है, ब्रजवासियों के दर्शन है। पूरी राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय, जय जय श्री राधे, राधे राधे।